नमस्कार। जैसे कि आज सब कुछ .com वाले मिले मुझसे, बड़ा अच्छा लगा कि ये उस कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं जो कि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर फिर भी हम अनजान बने रहते हैं। आज मैं अविनाश जैन, जैसे कि स्वीट होम में हम खड़े हैं। स्वीट होम में हम जिस तरह से बच्चों की परवरिश करके उनको बड़ा करते हैं, हम अपने घर में बच्चों को बड़ा करते हैं, उसी प्रकार उनके जीवन और हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए पेड़ों की कितनी महत्वता है, हमें शुरू से ही बचपन से ही सिखाई गई है, पर हमें उसे मानना भी है। ये आप देख रहे हैं, जैसे कि ये एक पेड़ है और ये पेड़ है, ये आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं। आज से 3 साल पहले ये पेड़ लगाए गए थे। हम देखेंगे कि एक पेड़, इन्हीं के साथ एक ये पेड़ लगाया गया जो अब आप यहाँ से देख रहे होंगे, बहुत बड़ा पेड़ है। इस बड़े पेड़ को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्यों दिखाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये छोटे और बड़े पेड़ को एक ही साथ 3 साल पहले लगाया गया, और ये क्योंकि पार्क के बीच में है तो कोई पत्ता छींट लेता है बच्चा इसका, कोई टहनी तोड़ लेता है, तो ये पेड़ इतना छोटा रह गया, इसकी ग्रूम नहीं हो पाया, ये पेड़ बहुत छोटा रह गया, और यही सेम टाइम में लगाया हुआ पेड़ इतना बड़ा हो गया जैसे कि हम देख रहे हैं। पेड़ को अडॉप्ट करके पेड़ को पालन पोषण करना बहुत अच्छा सुनने में लगा ये, और मैंने भी, हालांकि इस चीज़ से मैं बड़ा वाकिफ था कि पेड़ों को संभालना चाहिए, पेड़ों का पालन पोषण करना चाहिए, जब मुझे सब कुछ .com वालों ने बताया कि मिस्टर जैन आपको एक पेड़ को अडॉप्ट करना है और उसको बढ़ा करना है, उसमें पानी डालना है, खाद डालनी है, उसका ध्यान रखना है, तो मुझे ये काम करने में बड़ी एक खुशी महसूस हो रही है कि मैंने एक पेड़ को लिया, लगाया, और मैं उसको बड़ा करूँगा, बड़ा होते हुए देखूँगा, मुझे एक खुशी भी होगी। तो मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार सब कुछ .com वालों ने, मिस्टर राकेश शर्मा जी ने, जो कि एक बहुत बड़े तजुर्बेकार एडवोकेट भी, उन्होंने इस मुहिम को एक बहुत अच्छा रूप दिया है, तरीका दिया है, मैं उनको धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ सोची। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे एडवोकेट राकेश शर्मा जी और उनकी जो सब कुछ .com जो उन्होंने ये स्टार्ट किया है, इसके साथ आप सब जुड़ें और हर जना एक पेड़ को लगाए, पाले, पोसे, बड़ा करें।